नमस्कार, आप देख रही हैं पल पल। कैथल की बेटी मनीषा ने एक बार फिर चमकाया देश के साथ कैथल का भी नाम। बॉक्सिंग चैंपियन मनीषा हाल ही में थाईलैंड में हुए एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2019 में कांस्य पदक जीतकर आज अपने घर कैथल में पहुंची तो उनका भरपूर स्वागत किया गया। जब हमारी टीम मनीषा के घर पहुंची तो पूरा घर, पड़ोस, शहरवासी डीजे पर ठिलकते नजर आई। सबको खुशी थी कि मनीषा ने देश को कांस्य पदक देकर हमारे कैथल का नाम भी रोशन किया है। मनीषा से इस बारे में बात की गई तो उन्होंने बताया कि वह बचपन से ही खेलों में रुचि रखती थी। उनके परिवार ने भी उनका पूरा साथ दिया, कभी उनको खेलने से नहीं रोका। हमने उनके खेल के बारे में उनसे बात की तो उन्होंने बताया कि उनके लिए यह कंपटीशन बहुत ही महत्वपूर्ण और मुश्किल था। उन्होंने इसमें अपना बेस्ट दिया और उन्होंने बताया कि वे डिफेंस खेलना ज्यादा पसंद करती हैं, क्योंकि मनीषा जब रिंग में होती हैं तो उन्हें यह पता नहीं होता कि सामने वाला खिलाड़ी किस टेक्निक का खेलने वाला है। जी, आप आज कैथल पहुंचे हैं तो आप थाईलैंड खेल के हैं तो आप वहाँ पे जीत के आए, तो कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि ये मेरा फर्स्ट मेजर कंपटीशन था जिसमें मैंने मेडल लिया है। और उससे पहले अभी वर्ल्ड चैम्पियनशिप हुई थी 2018 में, तो उसमें मैं पार्टिसिपेट रहा था। मेरा क्वार्टर फाइनल बाउट जो बहुत ही टफ रही थी मेरे लिए, उसमें मैं लॉस्ट कर गया, लेकिन मैंने अच्छा कमबैक किया। अब एशियन चैम्पियनशिप में भारत के लिए कांस्य पदक जीता, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जिसे आप डिफेंस खेलना पसंद करते हैं या अटैक? एक्चुअली मैं अटैकिंग, डिफेंसिव और सभी गेम खेल लेती हूँ, लेकिन मुझे डिफेंसिव गेम ज़्यादा अच्छा लगता है। आप जब खेलने उतरती हैं तो उस खेल की रणनीति की थाईलैंड में कांस्य पदक जीत के आई है, आपको कैसा लगा? सर, हमें बहुत बढ़िया लगा और बड़ी खुशी हुई। जिले का, स्टेट का, भारत का नाम रोशन किया है, बहुत ज़्यादा खुशी है। जब आप मनीषा को खेलते हुए देखते हैं तो आपके मन में क्या चल रहा होता है? मेरे मन में ये चल रहा होता है कि लड़की जीत के आएगी, बड़ा गर्व होता है। और देख के भी लड़की वाइट बहुत अच्छी खेल रही है, जीतेगी, हमेशा ये सपना रहता है। आप समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं समाज को ये संदेश देना चाहूँगा कि सब अपनी बेटियों को खेलने का मौका दे, अपनी सुरक्षा खुद करेगी और देश का नाम रोशन करेगी।